नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा शुक्ला। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पंचकुला में पुलिस लाइन के बाहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिसकर्मी की मौत, जीन का रहने वाला था पुलिसकर्मी। पंचकुला में छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षाओं के खिलाफ जताया विरोध, कहा इंटरनेट की समस्याओं के चलते नहीं हो पाया है सिलेबस पूरा। और चंडीगढ़ में ब्लड डोनेशन कैंप की अगुवाई करने पहुंचे एसएसपी चाहल, बोले रक्तदान है सबसे बड़ा दान। पंचकुला में पुलिस लाइन के बाहर शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। यह हादसा पुलिसकर्मी के ट्रक के नीचे आ जाने से हुआ। पुलिसकर्मी की पहचान बजिंदर के रूप में की गई है, जो जींद के लिजवाना खुर्द का रहने वाला बताया गया है। मृतक पुलिसकर्मी के शव को अस्पताल भेजा गया और पुलिस हादसे की तफ्तीश कर रही है। पंचकुला के सेक्टर एक में सरकारी कॉलेज के बाहर छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग थी कि लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई हुई और ऐसे में कई स्टूडेंट ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। छात्रों का कहना है कि सभी कॉलेज में ऑफलाइन परीक्षा लेने का जो फैसला किया है उसे रद्द कर देना चाहिए। छात्रों की ये दलील है कि लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई के कारण उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है। किसान आंदोलन के चलते भी कई जगहों पर इंटरनेट की समस्या के चलते क्लास पूरी नहीं लगा सके छात्र, और अब छात्र कह रहे हैं कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जाकर भी प्रदर्शन करेंगे। जैसे धरना प्रदर्शन हुआ है, यूनिवर्सिटी में भी आज गेट पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, हम तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे तब तक जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हमें ऑनलाइन एग्जाम चाहिए, किसी की भी तैयारी नहीं है, 90% फेल रिजल्ट है हमारे कॉलेज से, सभी कॉलेज में यही हाल है, ठीक है। कोई किसी की भी ऑनलाइन क्लासेज नहीं लगी है अच्छे से, किस जियो के टावर भी बंद पड़े हैं, किसान आंदोलन के चलते सभी जियो के टावरों को उखाड़ दिया गया है, ठीक है। जो बच्चे हॉस्टलों में रहते हैं, दूर से आ रहे हैं, उन्हें भी बहुत दिक्कत हो रही है आने में, कोई भी ऑफलाइन एग्जाम के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर। आज हम अपने कॉलेज के बाहर इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम जो यूनिवर्सिटी का फैसला है कि वो ऑफलाइन एग्जाम करवाएंगे उसका अपोज कर सके। ये इसलिए क्योंकि क्लासेस ठीक से नहीं लगी, जिसकी वजह से सिलेबस कम्प्लीट नहीं हो पाया, तो हम एग्जाम कैसे दे दें ऑनलाइन, ये बात है हमारी। और अगर ये धरना प्रदर्शन कामयाब नहीं होता तो हम यूनिवर्सिटी में जाके भी धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने पूरी तैयारी कर रखी है, जब तक यूनिवर्सिटी मांग नहीं करेगी तब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि 5 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन की कोविड गाइडलाइंस का अनुसरण किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अभी तक उन्हें विपक्ष की ओर से कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार सदन की कार्यवाही से 1 घंटा पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिस पर सदन में 18 विधायकों का अनुमोदन जरूरी है। इसके बाद ही उस पर चर्चा हो सकती है और वोटिंग के लिए समय तय किया जा सकता है। ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा के कानूनों से पंजाब का नाम हटाने वाले बिल के बारे में कहा कि इस बार यह बिल बजट सत्र में लाया जा सकता है। देखिए, जहां तक सत्र की बात है, हरियाणा मंत्रिमंडल की ओर से 5 मार्च को प्रस्तावित किया गया है, नोटिफिकेशन आदरणीय राज्यपाल महोदय की तरफ किया जाएगा, और जो ही नोटिफिकेशन आता है तो उसी दृष्टि से हम विधानसभा सत्र के अंदर, इस विधानसभा के अंदर ये सत्र करने के लिए तैयार हैं। जहाँ कोविड प्रोटोकॉल की बात है, चंडीगढ़ की जो गाइडलाइंस हैं उनकी गाइडलाइंस के अनुसार ही हम ये जो सत्र है वो करेंगे। यदि आवश्यकता होगी तो हम जिस प्रकार से हमने पहले किया था, कोविड गाइडलाइंस के तहत डिस्टेंस 2 गज का डिस्टेंस रख करके हम विधानसभा का सत्र करेंगे, और पिछली बार भी हम जो हमारे दर्शक दीर्घा है उसके अंदर किसी भी दर्शक को हम अलाउ नहीं कर पाए थे, और मीडिया का भी हमने हरियाणा निवास के अंदर उसका अरेंजमेंट किया था, तो ये सत्र भी मुझे लगता है कि उसी नियमों के तहत होने जा रहा है। जहाँ तक अविश्वास प्रस्ताव की आपने बात कही, अभी तक इस बारे में कोई सूचना विधानसभा को नहीं आई है, लेकिन नियमों के मुताबिक किसी भी विधानसभा की बैठक से 1 घंटा पहले कोई भी सदस्य जो है वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, और लेकिन नियम ये है कि वो विधानसभा के अंदर बैठक के अंदर अविश्वास प्रस्ताव के बारे में
पढ़ करके सुनाएंगे, और यदि कम से कम 18 जो माननीय सदस्य हैं उनकी सपोर्ट करते हैं तो उस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हो सकती है। इस बार क्या हरियाणा का नाम रहेगा कानूनों में जो बैठक रहेगी? हाँ देखिए, एक दो महीने पहले लगभग हमने एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके अंदर इस बात को लेकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर, हरियाणा विधानसभा के अंदर जो नियम लागू हैं उनके अंदर पंजाब का नाम मेंशन किया गया है, जबकि लागू होते हैं वो हरियाणा के ऊपर लागू होते हैं। तो हमने ये एक कमेटी बनाई थी जिसमें ये देखा जाए कि किस प्रकार से पंजाब की जगह हरियाणा का नाम वहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है, और कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और उस कमेटी के आधार पर आज एक बैठक रखी गई है और उसमें निर्णय हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आने वाले सत्र के अंदर ये जो हम बिल है, ये जो प्रस्ताव है, इसको पास करेंगे। पंचकुला के सेक्टर 9 में एक कैफे के बाहर दो युवकों ने लड़कियों के साथ छेड़खानी की। जब युवतियों ने इसका विरोध किया तो वहां पर काफी हंगामा मच गया। एक युवती ने फिर दुर्गा शक्ति नंबर पर फोन कर पुलिस से मदद मांगी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फिर छेड़खानी करने के आरोपी युवकों को पकड़ लिया गया। असल में ये पूरा वाकया पुलिस के एक मॉकड्रिल का हिस्सा था। पुलिस का कहना है कि इस मॉकड्रिल की वजह थी लोगों के बीच दुर्गा शक्ति मोबाइल ऐप के प्रति जागरूकता लाना। इस ऐप के द्वारा कोई भी मुश्किल में फंसी युवती की मदद कर सकता है। बेसिकली हमने जो हमारा दुर्गा शक्ति ऐप है उसके लिए हमने यहाँ पर मॉकड्रिल की है कि सबको पता है कि दो गाड़ियाँ घूम रही हैं पूरे पंचकुला में, उनका दुर्गा शक्ति लिखा हुआ है, लेकिन वो किस लिए घूम रही है और उनसे हमें क्या फायदा है, ये पब्लिक क्या उठा सकती है, ये इनको पता ही नहीं है। इसलिए ये एक छोटा सा मॉक ड्रिल की गई है जिसमें दो लड़कियां बैठी हुई हैं सीसी में और दो लड़के आते हैं और उनको परेशान करते हैं, वैलेंटाइन डे के लिए गुलाब देना चाहते हैं। देखो, धक्के से हम किसी को गुलाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम वो चीजें करते हैं जो आगे जाके क्राइम का रूप लेती है। तो इस मॉक ड्रिल के जरिए हमने बताया है कि आप सब हेल्प करना चाहते हो लेकिन कोई आगे नहीं आता। ये दुर्गा शक्ति ऐप आप डाउनलोड करें, उसमें जस्ट एक बटन को दबाने से आपकी लोकेशन हमारे पास आएगी और हमारी टीम आपके हेल्प के लिए आएगी। आपका कहीं नाम नहीं आ रहा, आपका सिर्फ एक बटन दबाया जा रहा है, हम लोकेशन में पहुंच रहे हैं और हम खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे चीजें क्या हो रही हैं। तो प्लीज, हम पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं कि इस दुर्गा शक्ति ऐप को डाउनलोड करें। पहली बात तो ये हम तकरीबन पिछले 3 साल से इस ऐप के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि काफी लैक्स में लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। उसके बावजूद कुछ एरियाज ऐसे हैं, हम वहाँ अब भी उनको आउटरीच करके पहुंच रहे हैं। ऐप बहुत बेसिक है, ये देखिए ये इमेज है उसकी, और इस ऐप को हम लोगों को कहते हैं कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर रखिए, डंप पे या कहीं स्टोर ना कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए इमीडिएटली हमारी गाड़ियां जहां पे भी लोकेटेड है, जो जितना सिर्फ ड्राइविंग डिस्टेंस है 2-3 मिनट्स, उतने में वो गाड़ी वहां पे पहुंच जाएगी जहां पे भी दुर्गा शक्ति की गाड़ी हमारी लोकेटेड होगी। दूसरा, मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी लड़के और लड़कियां ये सुने, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जबरदस्ती कभी भी रिश्ते नहीं बनते। अगर आप अपनी मर्जी से किसी के साथ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वो एक अलग बात है। वैलेंटाइन या किसी भी और रीजन से किसी को आप फोर्स नहीं कीजिए कि आप रोज ले लीजिए, चॉकलेट ले लीजिए, मेरे साथ घूम लीजिए, सेल्फी क्लिक कर लीजिए। ये सेक्शुअल हैरेसमेंट में आता है और इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट और लॉ के थ्रू जेल एंड पनिशमेंट है। सो बॉयज शुड बी वेरी केयरफुल। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। ये आयोजन लायंस क्लब चंडीगढ़, प्रोस्पेरिटी डिस्ट्रिक्ट 321F और विद्या एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी ने आयोजित कराया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि थे चंडीगढ़ पुलिस विभाग के SSP कुलदीप सिंह चाहल। इस मौके पर 100 से अधिक ब्लड यूनिट्स इकट्ठा किए गए। वहीं आयोजन कराने वाली संस्थाओं के पदाधिकारियों ने रक्तदान करने आए वॉलंटियर्स को सर्टिफिकेट्स, मोमेंटो और गिफ्ट्स देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्या एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर CA प्रमोद वत्स, लायंस क्लब चंडीगढ़ प्रोस्पेरिटी डिस्ट्रिक्ट 321F के पूर्व गवर्नर लायन RK राणा, प्रेसिडेंट लायन विनोद स्यान, सेक्रेटरी जनरल लायन देशराज ठकराल और लायन TK मैगजीन भी उपस्थित थे। इस मौके पर SSP चाहल ने कहा कि शिक्षादान, कन्यादान, भूदान और अन्नदान से सबसे सर्वोपरि है रक्तदान। इंसान ही इंसान की जान अपने रक्त द्वारा बचा सकता है, इसलिए सभी को बढ़ चढ़ कर रक्तदान करना चाहिए ताकि किसी की
बेशकीमती जिंदगी बचाई जा सके। ये विद्या एजुकेशन सोसाइटी और लायंस क्लब का एक संयुक्त प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है और लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और बहुत खुशी की बात है कि ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल कुरड़ी गांव है मोहाली में, वहां पे चला रहे हैं और हमें इस तरह के जो प्रयास है करते रहना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का और ख़ास करके गरीब आदमी का जो जहाँ आज की डेट में इलाज करवाना बहुत ही मुश्किल है, उस तरह का जो ये कंट्रीब्यूट करे, वाकई में सराहनीय कदम है। ये तो उतना ही ज़रूरी है जितना आज हमारा सांस लेना ज़रूरी है। और किसी भी गरीब आदमी को जब भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह की जो सोसाइटी है वो आगे आती है, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सर, ये जो आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, ये विद्या एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी और लायंस क्लब चंडीगढ़ प्रॉस्पैरिटी, ये दोनों ने ज्वाइंट मिलकर लगाया है, तो हमें उम्मीद है कि 100 से ज़्यादा यूनिट आज हम कर पाएंगे। और PGI ब्लड बैंक की गाइडेंस में ये हमने लगाया है, तो आज हमने इसीलिए SSP साहब कुलदीप सिंह चहल जी IPS ऑनरेबल, तो उनको यहाँ पे बुलाया था एज ए यूथ आइकन। तो हम मैसेज देना चाहते हैं कि जो आज का यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन कामों में आए, ब्लड डोनेट करे और ह्यूमैनिटी की सेवा करे। और हमारा लायंस क्लब और विद्या एजुकेशनल सोसाइटी दोनों ही इन कामों में ऑलरेडी लगे हुए हैं और लगातार ये करते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब जरूर करें और अपने बेशकीमती कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। नमस्कार।